और लेके अपनी गोरखा और निकल पड़े हैं एक सफर पे। भयानक एडवेंचर होने वाला है भाई। स्पीति जा रहे हैं, अच्छी खासी बर्फ गिरी हुई है, सामान आप देखो फुल भरी हुई है गाड़ी। अभी हमने मैनेज नहीं किया, सामान अभी पूरा मैनेज करेंगे। असल में हम रात को टाइम हो रहा है अभी मेरे भाई, ये देखो टाइम हो गया 2:09 हो गए। अलवर से हम निकल लिए, यहाँ से जाएंगे अभी नारनौल बहरोड, बहरोड से नारनौल और फिर ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे होते हुए हम सीधा निकल जाएंगे चंडीगढ़, अंबाला होते हुए चंडीगढ़। चलो भाई, असल में हमने वो इंजेक्टर क्लियर लिया था मोट्यूल का, क्योंकि हम इस गाड़ी में मोट्यूल का ही ऑयल यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें मोट्यूल की यूज़ करते हैं जहाँ तक हो सकता है। तो इंजेक्टर क्लीनर भी हमने लिया है कि उससे थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस रहा है पहले i20 के साथ कि भाई एवरेज अच्छी दे देती है वो, देखते हैं इसमें क्या एक्सपीरियंस रहेगा। और गोरखा की हम बताएंगे आपको 2.2 एक्सट्रीम की एवरेज क्या निकल के आती है। भैया हम पहुंच गए अभी मंडहाणा करके कोई जगह है, रोड से हम नारनौल रोड पे जाएंगे तो मंडहाणा आएगी बॉर्डर पे। अब यहाँ पे हम करवा रहे हैं अपना टैंक फुल, ये लगा दी गाड़ी और अभी टैंक में हम डाल रहे हैं ये मोट्यूल का है ये सिस्टम कीप क्लीन, तो इंजेक्टर क्लीनर के नाम से ही आता है। अब ये एक फुल टैंक में ये डालेंगे तो अभी देखते हैं कितना डीजल आएगा। और तो ये डालते हैं अपन मोट्यूल का इंजेक्टर क्लीनर और देखते हैं फिर गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या होती है। ये डल गया और ये है कितने एमएल का था यार, ये 300 ml है भैया। आप करो, आप टैंक फुल करो अब इसका, देखते हैं अभी डीजल कितना आएगा। पूरा ही ऊपर तक आ गया बिल्कुल, 39 लीटर आया है भाई, तो 39 लीटर डीजल आ गया। अब देखते हैं माइलेज जीरो करेंगे, अब यहाँ से इसकी एवरेज निकालेंगे क्या एवरेज आएगी, फिर आगे हम टैंक फुल करवाएंगे ना वहाँ आइडिया आ जाएगा। तो भैया टैंक हो गया फुल और अभी मैं आपको किलोमीटर्स दिखाता हूँ, किलोमीटर कितने हो गए, 73 किलोमीटर है और ऊपर वाली रीडिंग देख लो आप जो ऑडोमीटर की है 22,375। तो इसको फिर अपन बाद में फिर कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि कितना मतलब कितनी एवरेज दी है गाड़ी ने। तो ये हम घूम गए भाई, ट्रांस हरियाणा पे भी चढ़ेंगे इसको भी, मेरे ख्याल से ट्रांस हरियाणा पता नहीं बोलते नहीं बोलते, बाकी अभी आगे से और घूमेंगे एक, फिर जब हम ट्रांस हरियाणा पे हो जाएंगे। हमारे पास गोरखा है ना भाई, इसमें पावर गजब है, मज़ा आता है चलाने में, मतलब ओवरटेकिंग में और सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो लगी नहीं क्योंकि हमने ली मतलब पहली बार जब चलाई थी ना, टेस्ट ड्राइव ली थी इसकी, तो मज़ा आ गया था कि यार ये तो गाड़ी गजब है। तो इतनी पावर तो गोरखा में देनी चाहिए, बाकी अब वाली गोरखा है वो मतलब 100 और 120 पे लाने में भी मतलब उसको टाइम लगता है, और इस हालांकि वो रुकती नहीं है, 2600 cc है वो और ये 2200 cc है, पर मज़ा इसमें आता है भाई चलाने में। और ये हमारी जो है 2200 भी नहीं है, रुकती ये 2200 भी नहीं है, हाँ रुकती तो 2200 भी नहीं है ये इसमें। और दूसरा इसका जो सस्पेंशन है भाई नेक्स्ट लेवल, और थार मैंने चलाई है, स्कॉर्पियो भी मैंने चलाई है भाई ये, और इसकी जो ब्रेकिंग है ना एक ब्रेकिंग कैसी है भाई, अरे जबरदस्त ब्रेकिंग है। स्पीड कितनी भी हो, जितना वेट है ना गाड़ी का उसके हिसाब से भाई गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाएगी गाड़ी, मतलब आपको लगेगा नहीं कि यार वो इतनी बड़ी गाड़ी में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार ये रुक भी जाएगी। और थार भी मैंने चलाई है तो उसकी ब्रेकिंग भाई नहीं है अच्छी। स्पीड हमने अभी रख रखी है 100 की, 100 पे क्रूज करते हुए चल रहे हैं और RPM ले रही है गाड़ी 2200। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, अच्छी तो क्या है यार वीडियो, अब सपोर्ट करो चैनल को भाई थोड़ा थोड़ा सा, आगे जब भी हम बढ़ेंगे अब आपको मज़ेदार कंटेंट मिलता रहेगा। मज़ेदार कंटेंट क्या, हम तो अब बस एक भाई हैं, उनका चैनल भी आप मेरे ख्याल से देखते होगे, DCV भाई सपने आने लग गए उसके मेरे को, तो इतना भयंकर फैन हूँ मैं उसका, फैन क्या खैर देखो हम भी अपनी जगह पर। चाय बना रहा है हुक्का, इधर आग उधर चाय, इधर रजाई में एक आदमी सो रहा है, ये भाई साहब ताप रहे हैं, आग नाम की लगा, आग तो है ही नहीं इसमें, मजाक कर रहे हो भाई साहब, आग वाग तो लगवा दो यार थोड़ी बहुत।
आग लगाने में लग रहा है, कैडा हो के भाई हुक्का और रखा है यहाँ पे, लग तो गई यार। चाय पी के निकल दिए भाई वहां से, 10-15 मिनट रुके थे बस, चाय भी नमकीन खाई और अब आगे चल दिए। रोड पे ऐसा कोई खास ट्रैफिक तो है नहीं, बस नॉर्मल गाड़ियां चल रही हैं। हाँ ठीक ठाक ट्रैफिक है। अगर अम्बाला क्रॉस कर लिया, अम्बाला क्रॉस करने के बाद में और मैं चंडीगढ़ रोड पे हूँ अभी, ये देखो, और मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे चंडीगढ़िया का ढाबा। यहाँ पे भी पराठा, एक पराठा खाया आलू का और ये चाय। धुंध हो रखी है यार इधर तो, उस रोड पे धुंध मिली नहीं। और टाइम मैं आपको बताऊँ, टाइम हो गया है 7:35। तो अब चलते हैं, जब शिमला की टेंशन हो रही है कि शिमला में ट्रैफिक मिलेगा दिन में, रात को तो निकल जाते, अब दिन में ट्रैफिक मिलेगा। और यहाँ पर ठंड अच्छी खासी है, मैं बीच में सो गया था, अगर मतलब मैं डिक्कू की गाड़ी चला रहा था तो मैं तो सो गया था बीच में। तो भैया चल दिए, अब आगे का सफ़र करते हैं शुरू। बाकी धुंध गजब की है, चंडीगढ़ क्रॉस करके और अब हम पहाड़ों के बहुत नजदीक आ गए। और पहाड़ जब दिखते हैं ना भाई, ये दिखते ही दिमाग प्रफुल्लित हो जाता है हमारा। हाँ, अब तो पहाड़ दिखना शुरू हो गए, आपको दिख रहे होंगे, तो देखो ये रहे। शिमला पहुंच गए हम, अब शिमला में ही है और टाइम पूरे 11 बजे, 11 से ऊपर ही हो गया होगा टाइम। यहाँ पे हमको एक छोटा सा काम है यार, अपने YouTube चैनल का नाम है जो गाड़ी पर लिखवाना है। अगर कोई नंबर प्लेट वाला मिल गया ना, जो नंबर प्लेट वगैरह बनाता है, स्टिकर वगैरह बनाता है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अगर नंबर प्लेट वाला एक तो मिला था जिस पे स्टिकर वाला ना, वो लड़का नहीं है, उसका छुट्टी पे है लड़का, अब वो खुद तो बैठा था। अब पता नहीं उसके संडे है ना, संडे को यहाँ पे ऑफ रहती है ज़्यादातर दुकानें, तो मार्केट पूरा भी नहीं खुल रहा और कुछ दुकानें बंद हैं। तो फिर अगर कोई आगे मिलेगा तो रास्ते में भाई देख लेंगे, अदरवाइज फिर हम चल रहे हैं यहाँ से, तो आगे मिल ही जाएगा कोई ना कोई यार। हम शायद हो सकता है नहीं, कंफर्म है कि कुफरी पहुँच गए और कुफरी में बर्फ है, पर इतनी बर्फ हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए बहुत सारी बर्फ के लिए हमको और बहुत आगे चलना पड़ेगा। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी कर देना। अभी इसमें अपन डीजल और लेंगे, डीजल लास्ट पे आ गया और फिर निकालेंगे कितने की एवरेज आती है, 7-8 कितने की आती है। हमको ये शॉप मिली है जहाँ पे हम नंबर प्लेट और एक मोबाइल स्टैंड, नंबर प्लेट नहीं, वो पीछे चैनल का नाम लिखवाना था यहाँ पे, ये मिल गया, ये बड़ा प्यारा मिला है यार। और एक ये लगाया है न्यूट्रल ड्राइव और यहाँ पे चैनल का नाम। तो चलो भाई चल दिए यार, अब वहाँ से तो अपना काम हुआ नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ, बस स्टिकर ही लिए और काफ़ी टाइम हमारा यहाँ पे करीब आधा पौना घंटा खराब हो गया। और हमने एक बड़ा जुगाड़ू मोबाइल स्टैंड बना दिया भाई, तुमको दिखाएंगे बाद में, और ऐसा है परफेक्ट, कहीं हिलने का ही नहीं है। और व्यू आप देख रहे हो कितना सही व्यू आ रहा है बिल्कुल। अभी वापस से हम टैंक फुल करवाने आ गए तो 3,000 रुपये का आ गया, अभी एवरेज भी अपनी आ जाएगी ऊपर तक, जितना पहले कर रहा था उतना, और अब आया है 47 लीटर, 47.88। तो भैया अपना किलोमीटर चले 526 किलोमीटर और इसमें से अपन माइनस करते हैं तो 26 - 73 453 47.88 9.5। तो भैया 9.5 की एवरेज दिए गाड़ी ने, इतने कोई एवरेज निकाली भी नहीं, सही आए थे खींच कांच के, तो इतनी उम्मीद थी 9-10 की एवरेज की, 9-10 की एवरेज देगी ये, 9.5 की एवरेज दी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गोरखा की एवरेज 9.5, और अगर एवरेज निकालते हुए आते ना तो ये 12-13 की आराम से दे देती है, 70 और 80 के करीब लाते ना, 12+ जाती, 12+13 भी हो सकती थी है ना, अगर 80 तक भी चलते ना, अगर 80 तक भी चलते तो
तो भी 13 की एवरेज दे देती है आराम से। सही है यार, 4x4 गाड़ी के हिसाब से 10 की एवरेज, थार भी मेरे ख्याल से इतनी देती है, 10 की देती है वो भी। यार नारकंडा से हम चल दिए हट्टू टेंपल की तरफ, और स्नो आप देखो सामने कितनी भयानक स्नो है। अब देखते हैं गाड़ी कहाँ तक अलाउ कर रखी है और कहाँ तक जाएंगे हम लोग। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो जो नए बंदे आ रहे हैं भाई चैनल पे। ऐसा नहीं, ये देखो सामने एक वो दिख रहा है बर्फ का सा घर बना रखा है यार। वो ऊपर उन्होंने हट्टू टेंपल जाने नहीं दिया, वहाँ पे पुलिस वगैरह खड़ी थी। एक बार तो कह भी रहे थे कि चले जाओ, और मैंने कहा 4x4 है हमारी जाने दो। फिर वो पुलिस में पुलिस वाले थे कोई, उन्होंने अपने सर से पूछी तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं। मैंने कहा नहीं तो हम तो, मैंने कहा कोई हट्टू टेंपल के लिए नहीं आए कि कोई भाई रेंट पे गाड़ी लेकर फिर जाएंगे, हम तो भाई ड्राइव के लिए आए बस। और वापस चल दिए अब भाई वापस घुमा के, बर्फ अच्छी खासी गिरी हुई है भाई नारकंडा में। भैया स्टीयरिंग में हो गई प्ले और जिससे गाड़ी कर रही बबलिंग। यार वो स्टीयरिंग की बबलिंग हो गई थी, स्टीयरिंग में बबलिंग पता नहीं चलते का कंटिन्यू चलते हुए। और इसकी ये है स्टीयरिंग बॉक्स, स्टीयरिंग बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो ये नट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये यहाँ से एडजस्टेबल होता है, टाइट कराया है हमने। मैकेनिक की दुकान तो बंद थी, खुद नहीं औजार लेके टाइट कर दिया। अब आगे चल रहे हैं, रामनगर पहुँचने वाले हैं। चलो बैठो भाई। किन्नौर के जो फेमस एंगर क्लिफ रोड है वहाँ पहुँच गए। टाइम हो रहा है अभी 6:10 नाको। अभी यहाँ से हमारे यहाँ से है 140 किलोमीटर, गूगल तो दिखा रहा 3-3.5 घंटे। पूछ रहे हैं कि रात को यार वहाँ पहुँच जाए, कल काजा के लिए टाइम बचेगा। असली एडवेंचर तो वही है भाई, ये तो बस सब एक मजा आ गया। और ये देखो क्लिप्स, एंगर क्लिप, वाह वाह वाह, पूरा पहाड़ी ऊपर आया हुआ है भाई। चलते चलते 737 किलोमीटर हो गए हमारे भाई, और रात हो गई, टाइम हो गया 8 बजने वाले। देख लो बर्फ भाई, ये तो वैसे ही स्टार्टिंग है, हट गई बर्फ तो धूप गर्मी हो गई अच्छे से। पहलो पहुंच गया, ठंडी अच्छी खासी है। अब यार यहीं रुक रहे हैं, फिर आगे जाने का वो नहीं है फिर, क्योंकि खाना वगैरह मिलेगा नहीं, और नाको में हम लेट पहुंचेंगे तो हो सके होम स्टे भी ना मिले। ये पीछे होटल है ये देखो आप, और इसी में रेस्टोरेंट है। तो यहीं पे हमने रूम ले लिया, 800 रुपये का रूम, 100 रुपये हीटर के, हीटर भी ले लिया यार थोड़ा सुकून से, वीडियो भी एडिट करनी है ना मेरे को। तो अभी खाना खाते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट कुछ भी करना। कोशिश कर रहे हैं भाई आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाने की। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ हम खाना खा रहे हैं। ऊपर रूम है इसके, छोटा सा रूम है नॉर्मल सा। वीडियो करते हैं यहीं एंड, अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो।